जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में हनुमानगढ़ी में स्थित दूध डेयरी में 5 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 2 की हालत गंभीर, गायों को कराया गया पोस्टमार्टम। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में हनुमानगढ़ी में संचालित हो रही दूध डेयरी में 5 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई तथा 2 की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार शर्मा और पशु चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे और बीमार गायों का इलाज कराया तथा मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया गया। इस विषय में डेयरी मालिक मुकेश पाल ने बताया कि सुबह जब वे डेयरी पहुंचा तो 5 गाय मृत तथा 2 गंभीर हालत में मिली। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले में पशु चिकित्सक ने बताया कि मृत गायों का पोस्टमार्टम करा के बिस्तरा परीक्षण के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ये पता चलेगा कि गायों की मृत्यु किस कारण से हुई है। वही डेयरी मालिक ने कल चुनी पर सवालिया निशान खड़े हैं। इन्होंने यहाँ से खरीदा बड़ा महादेव वकील साहब नाम से दुकान, उनकी फेमस है, तो ये वहीं से खरीदते हैं आज। तो आपको क्या लग रहा है इसमें पूरा मिलावट है और रिजल्ट आपको दिख ही रहा है? मतलब मौत का कारण, मौत का कारण आप इसी को मानते हैं? या तो हम केमिकल बोल सकते हैं, एक तरह से हाथों से हमारे काले काला हो रहा है। हाँ। एक तरह से केमिकल ही है। अब कौन सा केमिकल है इसकी रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा। मेरा नाम मुकेश पाल है। मुकेश जी, आपकी डेयरी पर क्या हुआ, गायों की मृत्यु कैसे हुई? मैं रात को ठीक ठाक इनको खिला पिला के दूध दूध काढ़ के यहाँ से गया हूँ 7:30-8 बजे। सुबह आकर ताला खोला तो ये मरी हुई मिली मेरे को। कितनी गाय आपकी मर गई? 11 गाय हैं, 6 गाय ख़त्म हो गई। क्या लग रहा है? 2 सीरियस हैं सर। सर जो चारा वारा खाती हैं रोज की तरह, वही रूटीन है सब, खाने पीने का कुछ नया नहीं आया मेरे पास। जो मैंने इनको खिलाया उसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। वैसे क्या खिलाया था आपने? यही उड़द की दाल की चुन्नी वगैरह खाती हैं, उड़द का भूसा खाती हैं। और पता नहीं किसी को भाई अगर कोई परेशानी हुई हो तो भाई उसने कुछ करा हो इनके साथ खाने पीने। मेरी तो सर किसी से नहीं है, शायद किसी को मुझसे हो रही हो, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिलहाल इन दोनों में से कोई ना कोई रीज़न है। अब कौन आया था यहाँ पे, कौन कौन अधिकारी? मैं तो रात को, हाँ सुबह आए थे लोग। कौन कौन आए थे, कौन अधिकारी? सी ओ साहब थे, दरोगा जी थे और कोतवाल साहब थे। जिसमें प्रथम दृष्टा ये प्रतीत हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग से ये मौत हुई है, इसी संबंध में जहाँ से ये चोकर आता था कि बड़ा महादेव मंदिर में दाल मिल है, यहीं पे हम लोग जांच में आए हुए। क्या क्या पाया है आप मौके पर? अभी तक मामला संदिग्ध प्रतीत पाया जाता है, इसमें मेरे साथ CBO साहब भी मौजूद है। तो काला काला कुछ दिखाई दे रहा है और पीड़ित जी ये बात कह रहा है कि वो गाय को उसने खाया और वो उससे उसकी मृत्यु हुई है, क्या है? संभवता हो सकता है, इसकी जाँच की जा रही है, अभी फाइनली हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 5 गाय और 1 बछड़ी।